एवरीवन, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो बच्चों, आज की क्लास हमारी समर्पित है जो जो बच्चे एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें जितनी भी यूनिवर्सिटी जो एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की तैयारी कराती है, एमए इकोनॉमिक्स कराती है, बेसिकली वन ऑफ द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, उसका 2022 का 2022 के पेपर के कुछ पार्ट, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। 2022 का पेपर एज कम्पेयर टू बाकी पेपर्स थोड़ा आसान पेपर था, तो कुछ बच्चों का अच्छा लग रहा, सबका क्लियर हो गया, कुछ बच्चों को बैड लग रहा, एक दो नंबर से रह गए, कुछ इंटरव्यू में रह गए, बट कोई दिक्कत नहीं, हार्ड लक, अगले साल के लिए और अच्छे से तैयारी करो। सो 2022 का पेपर हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। आप में से जो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, ये चैनल पूरी तरह बच्चों इकोनॉमिक्स ओनर्स, एमए इकोनॉमिक्स की जो तैयारी करना चाहते हैं स्पेशली उनके लिए है, प्लस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स, ये जो तीन कोर पेपर हैं जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स में और एमए इकोनॉमिक्स में, नॉट इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एमए इकोनॉमिक्स ऑल आई कैन से, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स हो गया, चाहे एमबीए में इकोनोमेट्रिक्स आ गया, मतलब किसी भी पार्ट में, नॉट फॉर द इंडियन यूनिवर्सिटी, फॉरन यूनिवर्सिटीज में भी अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है, तो ये चैनल आपको काफ़ी काफ़ी ज़्यादा फायदा देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, चैनल को लाइक करो, बाकी यूट्यूबर्स की तरह मुझे बोलना पड़ेगा, शेयर करो, एंड प्लीज जितना हो सके वीडियो को 10, मतलब जितना पहुंचा सकते हो उधर पहुंचाओ, ताकि मैं चाहता हूँ बाकी जितने बच्चे हैं जो एक्चुअली में डिस्टेंस की वजह से या पा सके नहीं पढ़ सकते, ऑफलाइन क्लास नहीं आ सकते, ठीक है, वो सारे बच्चे प्लीज इन वीडियोज का फायदा उठाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करो, बुरी लगे तो भी कमेंट करो, ठीक है, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, बट बुरी नहीं लगेगी आई एम श्योर, ठीक है। चलो सो आईएसआई 2022 का पेपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेपर का पीडीएफ मेरे पास है, मैंने निकाला हुआ है, सो अगर मैं पेपर के पीडीएफ की बात करूं तो ये रहा पीडीएफ, मतलब पेपर मुझे ये वाला आसान लगा, मतलब मैं आई एम नॉट डूइंग ऑल द क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस आई एम टेकिंग, 7-8 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बच्चों पता है, अगर आप सीरियसली ना एमए इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो पास्ट ईयर्स करना ना आपके लिए बहुत जरूरी है, डेली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, अगर आपने पता है सही बताऊं इनके पास्ट ईयर्स अच्छे से कर लिए ना, फ्रॉम 2004 टिल नाउ, चाहे आप इसे 2022 में देख रहे हैं, 23 में देख रहे हैं, 24 में देख रहे हैं, जिस भी ईयर में आप इस वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है, तब तक के जितने पास्ट ईयर्स आप लोगों के पास हैं वो सारे सॉल्व करना ना बहुत जरूरी है। पास्ट ईयर एक आइडिया देते हैं, बताते हैं कि आपके कंसेप्ट कितने वीक है, आपको कौन सा कंसेप्ट याद नहीं है, अरे वाह क्वेश्चन कैसा घूम के आ रखा है। सो ये सब चीज़ें पास्ट ईयर्स में आपको पता लगती है, तो इसलिए पास्ट ईयर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एमए इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए। प्लस एक बात ये भी है कि मान लीजिए आप लोग अदर देन डीएससी आईएसआई कुछ और सोच रहे हैं, तो डीएससी आईएसआई के फेवर करने के बाद ना, बिलीव मी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आईजीआईडीआर हो, शिवनादर हो, मतलब टेरी हो, कोई भी हो, कसम से अगर ये दो इन दो यूनिवर्सिटी की तैयारी है ना, तो बाकी यूनिवर्सिटी के पेपर तो चुटकियों में निकलेंगे, चाहे मद्रास स्कूल हो, चाहे जेएनयू, कुछ भी हो, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, इसके 4-5-6 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ऐसी रैंडमली, इट्स नॉट लाइक दैट कि मुझे ये क्वेश्चन पसंद है तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, नो नॉट लाइक दैट, ठीक है। सो आई होप सबको अच्छे से क्वेश्चन दिख रहे हो, ठीक है, जस्ट वेट, थोड़े से सवाल तो मैं इसी पे कर दूंगा पीडीएफ पे, जैसे ये देखो, मतलब इस क्वेश्चन ने तो हदी मचा दी, इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है, ये तो मतलब तुम लोग को भी इंसल्टिंग लगेगा, मुझे कराना भी बड़ा इंसल्टिंग सा लग रहा है, बट क्या करें, कराना पड़ेगा, हम तो तैयारी कर, ठीक है। आप कुछ बच्चों ने अगर देखो परमोटेशन कॉम्बिनेशन पूरा इग्नोर कर दिया हो, ठीक है, मत पढ़ो पीएनसी, परमोटेशन कॉम्बिनेशन पूरी तरह मत पढ़ो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इवन तुम लोगों को भी नहीं प्रॉब्लम होगी, बट प्रोबेबिलिटी के परस्पेक्टिव से एटलीस्ट इतना तो पढ़ो कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन निपट जाए, तो इसलिए ये उसी टाइप का सवाल है। और प्लीज में बच्चों, ये 11वीं क्लास का सवाल आया, 11th क्लास का, ठीक है, तो अगर किसी से नहीं हो पाया हो तो गलत बात है बच्चों, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे नंबर ऑफ वेज इन विच द पैंडेमिक कैन बी अरेंज सच दैट द वोवल्स अपीयर टुगेदर, वोवल साथ में आए, याद करो वोवल अकर टुगेदर टाइप सवाल आते थे ना, तो मेरे पास ये वर्ड है पैंडेमिक, इसमें वोवल्स कितने हैं, ए है, ई है, आई है, तीन वोवल्स हैं। अब अगर वोवल अकर टुगेदर है, साथ में आनी चाहिए, तो जो चीज साथ में आती है अगर आपको थोड़ा सा याद हो, उसे हम लोग एक मानते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, इसको एक मानेंगे तो 3 माइनस करेंगे, 1 प्लस करेंगे, ये 6 बच गया, ठीक है। 6 को 6 तरीके से अरेंज करना है तो 6 फैक्टोरियल,
प्लस ये तीनों तो साथ में आएंगे, आपस में तो अरेंज हो सकते हैं इनटू 3 फैक्टोरियल। अब कुछ मान ऐसे थे, उन्हें लगा ये आंसर तो है नहीं, उन्हें लगा ये तो है नहीं, 6 फैक्टोरियल के हैं। भाई साहब 6 × 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल तो होता है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। आई डोंट थिंक सो, तुम में से किसी को कोई डाउट होगा। दिस इज सो सिंपल, सो सिंपल मीन्स वेरी सिंपल। ठीक है, एक और करूं, सेकंड देखिएगा। सेकंड में आपको बोला है कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इक्वल टू दिस। एक बात बताओ बच्चों, चाहे तुम आईएसआई डीएसआई किसी चीज की भी तैयारी कर रहे हो, आपके 10वीं 11वीं 12वीं के फंडे ना एकदम एकदम स्ट्रांग होने चाहिए। ये सीरियसली कोई ग्रेजुएशन टाइप सवाल ही नहीं है, मतलब ये इतना आसान सवाल है, डोंट टेक मी रॉन्ग अगर आपसे नहीं हो पाया, बट सच्ची में कोई 11वीं क्लास का बच्चा या 10वीं क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा भी इस सवाल को, मतलब 11वीं क्लास मान लो क्योंकि फॉग बॉप आ गया, 11वीं क्लास का बच्चा आराम से कर सकता है इसको, और आप तो 11वीं से काफी ऊपर हो। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कंसीडर द फंक्शन ये एंड जी एक्स ये बोथ डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, लेट अल्फा वन ग्रेटर देन जीरो बी दी पॉजिटिव रियल रूट्स, एक्सक्यूज मी, एंड अल्फा टू इज लेस देन जीरो बी नेगेटिव रियल रूट्स। एफ एक्स इक्वल टू जीरो मतलब जब आपने एफ एक्स को जीरो रखा तो इसके जो रूट्स अल्फा वन अल्फा टू आए, अल्फा वन पॉजिटिव है अल्फा टू नेगेटिव है, एंड बीटा वन पॉजिटिव रियल रूट्स एंड बीटा टू नेगेटिव रियल रूट्स आए किसके, जब एफ ऑफ जी एक्स जीरो है, जी एक्स जीरो नहीं एफ ऑफ जी एक्स जीरो। आफ्टर आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो मैं क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर रहा हूं, पहले मैं एफ एक्स लिख लेता हूं। एफ एक्स है x² - x-1, जस्ट एक बार देख लूं कहीं छोटी सी मिस्टेक कर दूं, और जी एक्स है x+1। ठीक है, एंड जी एक्स है x+1। ठीक है गाइस, अगर मैं एफ एक्स को जीरो लिखता हूं तो x² - x-1 0, बच्चों सबको पता है डिस्क्रिमिनेंट से निकल जाएगा, -b + -b² - 4ac/2a, सो x आ गया एक बारी 1 + √5/2 और 1 - √5/2। उसने बोला है अल्फा वन जो है वो पॉजिटिव है और अल्फा टू जो है वो नेगेटिव है। क्लियरली सबको पता होगा जैसे √4 2 होता है तो √5 टू पॉइंट समथिंग होगा, एक से बड़ा, तो ये तो अल्फा वन मान लो, ठीक है, विच इज पॉजिटिव, और इसको अल्फा टू मान लो, डेफिनेटली नेगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स निकालता हूं बेटा तो एफ ऑफ जी एक्स x+1, ठीक है, सो x+1 का स्क्वायर -x+1 -1, दिस इज x² + 2x+1, बच्चों दिस इज -x - 1 - 1, एक वन से वन गया, ये आ गया x² + x - 1। ठीक है, हमें बोला है एफ ऑफ जी एक्स को जीरो रखो, तो एफ ऑफ जी एक्स को जब मैं जीरो रखूंगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 + 1, वही b² - 4ac/2a, तो x आ गया -1 + √5/2 और -1 - √5/2। कंसीडर दिस एज बीटा एंड दिस एज बीटा टू। ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल यार, इससे आसान क्या लोगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऑप्शन वगैरह यूज करना चाहें, पहला ऑप्शन बेटा क्या है मेरे पास, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, पहला ऑप्शन है α1 - β1 α2 - β2, इसी में कर दूं, α1 पॉजिटिव था 1 + √5/2, β1 भी पॉजिटिव था -1 + √5/2। ओहो एक सेकेंड, 1 + √5/2 -1 + √5/2, 2 LCM ले लो, +1 - √5, 2/2 1 आ रहा है 1। ठीक है, फिर सिमिलरली α2 - β2, α2 वॉज 1 - √5/2, देख तो ले एक बारी पहला ऑप्शन ठीक भी है नहीं, मतलब उसने बोला कौन सा इनकरेक्ट है, और बीटा टू था -1 - √5/2, 2 LCM ले लो, 1 - √5 + 1 - −+√5 कैंसल, 2/2 1 आ गया, मतलब पहला ऑप्शन ठीक है।
ऐसे आप दूसरा ऑप्शन चेक करोगे, दूसरा भी ठीक आएगा। मैं आपको बता रहता हूँ इसका डी आंसर है, डी इनकरेक्ट आएगा। आप चेक कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, बहुत आसान सवाल है, इट इज टू सिंपल बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही आसान सवाल है। मतलब इस बार ही आया था सच्ची में ना, 2022 का बहुत अच्छा आया था। ठीक है, एडमिशन हुआ है हमारे कुछ बच्चों के। ठीक है, एंड देखिए आगे प्लीज। थर्ड, लेट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस डिफाइंड, 0 से 1 के बीच में डिफाइंड है, देन एफ ऑफ 1 माइनस एफ एक्स। ये मतलब बच्चों बहुत ही ज्यादा आसान है, एफ ऑफ 1 माइनस एफ एक्स। एफ एक्स क्या ही है? ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा? दिस, फाइन, एफ ऑफ एक्स ये है, तो एक्स की जगह पूरा ये डाल देंगे, इससे कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 माइनस एक्स बच गया, आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, आगे बढ़े, आगे अगर बढ़े, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कह रहे हैं ये भी आसान है, मतलब सही बताऊं तो ये मैंने जो बच्चे मुझसे सेमेस्टर्स में पढ़ते हैं, सेमेस्टर 1 में जब मैं मैक्सिमम मिनिमम वगैरह पढ़ाता हूँ, तो ये उस टाइप का सवाल है, बिल्कुल डिट्टो ये सवाल आ गया, और बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। देखो, सपोज एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग कॉन्केव एंड डिफरेंशियबल एंड जी एक्स इज डिक्रीजिंग कन्वेक्स एंड ट्वाइस डिफरेंशियबल, देन दी फंक्शन कैपिटल जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड कन्वेक्स, डिक्रीजिंग एंड कन्वेक्स। ठीक है, अब इधर देखो क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है एफ और कनकेव है, कनकेव मतलब, और जी जो है डिक्रीजिंग है एंड कन्वेक्स है। अच्छा भाई ऐसा रट्टा मत मान लेना, जो डिक्रीजिंग होता है वो कनकेव होता है, और जो ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी हो सकता है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता तुम्हारा, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद कैपिटल जी एक्स विच इज वॉट जी ऑफ एफ एक्स, कह रहा है इसका नेचर चेक करना, कैपिटल जी का कनकेव है, कन्वेक्स है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड कनकेव कन्वेक्स के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो व्हेन वी डू जी डैश एक्स गाइस, क्या बचेगा, जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब ये देखो जी डैश क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो कैपिटल जी का डेरिवेटिव आ रहा है लेस देन जीरो, इट मीन्स वो डिक्रीजिंग है, तो मतलब या तो ये ऑप्शन हो सकता है ये वाला, अब कनकेव कन्वेक्स चेक कर रहा है, तो नाउ लेट्स डू द डबल डेरिवेटिव। सो बच्चों जब मैं डबल डेरिवेटिव करूंगा, फाइन, सो व्हेन आई डू द डबल डेरिवेटिव दिस वुड बी जी डैश एफ एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स जी डबल डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, कुछ ऐसे कुछ है। अब साइन चेक कर लो, आपको पता है जी डैश क्या है, नेगेटिव है, एफ कैपिटल एफ डैश क्या है, नेगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव होगी टर्म, प्लस बीच में चल रहा है, एफ डैश पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव, और जी डबल डैश भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, तो कैपिटल जी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस वो कन्वेक्स है, इट मींस बी ऑप्शन, सिंपल मींस सो सिंपल। ठीक है, आगे देखो, एक सेकेंड बच्चों, फिफ्थ बहुत आसान है, मैट्रिक्स का सवाल है, बेसिक सी प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। मैं ना सिक्स्थ क्वेश्चन पे चाहूंगा आप जरा ध्यान दें, बिकॉज सिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग में आपको ना एक मतलब एक नई चीज बताऊंगा जो आप लोग फॉलो करें, और जिसके बेसिस पे आप बहुत आराम से सिक्स टाइप के सवाल डीएससी में भी आए हैं आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो क्या कंडीशन है देखिएगा, आई विल राइट इट फॉर यू। देखिए अगर f कनकेव है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली कंडीशन तो है, इसके अलावा कनकेव में कभी कभार ना कनकेव कन्वेक्स में वो फर्स्ट ऑर्डर पूछ लेता है कि फर्स्ट ऑर्डर किससे बड़ा होगा, किससे छोटा होगा, एंड सो ऑन। तो ध्यान से देखिए, कनकेव में लेट अस सपोज a और b दो नंबर लिए, ये दोनों डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं फंक्शन की,
एफ बी माइनस एफ ए इज लेस देन इक्वल टू एफ डैश ए बी माइनस ए, दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉनकेविटी। ये ना वैसे जिन जिन बच्चों ने मुझसे पास्ट टेस्ट के सॉल्यूशन खरीदे हुए ना, वहां पे मैंने इसकी डिटेलिंग भी पढ़ा रखी है, सो वहां से आप लोगों को मिल जाएगी अगर आप हमारे पास्ट टेस्ट वगैरह बाय करते हैं तो, ठीक है। एंड फॉर कन्वेक्स एफ बी माइनस एफ ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डैश ए बी। अच्छा ऐसा कुछ नहीं बी ए से बड़ा ए बी से बड़ा, बस दोनों डोमेन को बिलोंग कर, ये सवाल है हमारा। मतलब आप ये सोचो जब आपको ना पेपर में बता दिया कि फंक्शन कनकेव है या कन्वेक्स है और आपसे पूछता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस नंबर से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो आपको ये कंडीशन यूज करनी है, ठीक है। बिकॉज अभी बच्चों हम पेपर के सॉल्यूशन कर रहे हैं ना कि पूरे कंसेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ध्यान दें प्लीज सारे के सारे। इसमें एफ वन एफ टू दे रखा है और आपसे एफ डैश टू की डिमांड की है। सो एफ डैश टू की डिमांड कर, मतलब एफ डैश टू के साइन की अगर बात कर रहा है, तो अगर मैं यहां पे देखूं यहां पे ए आ रहा है, तो ए को टू लेके चलते हैं, ए को टू ले लेते हैं, बी को वन ले लेते हैं, बिकॉज दूसरा नंबर वन ही है, चेक कर लो वन ही है ना, और दोनों की वैल्यूज भी दे रखी है, बाई चांस सेम ही दे रखा है, एफ ऑफ टू टू दे रखा है और एफ ऑफ वन वन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है आप लोगों को कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, मतलब स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है फंक्शन, ठीक है। अगर स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है सो वील यूज दिस कंडीशन, ठीक है। अगर हम ये कंडीशन यूज करें सो लेट्स सी देखते हैं क्या बचता है। देखिएगा बच्चों बी की जगह वन डालते हैं, ए की जगह टू डालते हैं, अच्छा सिर्फ ग्रेटर देन यूज करेंगे, आप सबको पता होगा बी की जगह वन डालते हैं इसकी जगह टू डालते हैं। एफ वन मेरे पास कितना है, वन है, ये टू है, ये माइनस वन है, फाइनली माइनस वन, फाइनली एफ डैश टू क्या आ रहा है, एक से बड़ा। देखिए ऑप्शन में है ये बी ऑप्शन, ठीक है। अब जिसको एक कंडीशन याद नहीं थी तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, यू नीड टू रिमेंबर दीज कंडीशन। जब भी आप लोगों को बता दिया फंक्शन कनकेव है कन्वेक्स है और आपसे सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पूछते हैं इस नंबर से बड़ा इस नंबर से छोटा, अच्छा ये भी होना चाहिए तुम्हारे पास, हाँ एफ ए और एफ बी की वैल्यू भी होनी चाहिए तभी तो हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। गाइस सेवन क्वेश्चन तो मैं क्या ही करूं, मतलब मुझे शर्म आ रही करने में, लॉपिटल लगा लो यार, इतना आसान सवाल है, हाँ बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, एक सेकेंड में छोटा छोटा कर दो इसको। बच्चों कैसे लॉपिटल लगेगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, नीचे एक्स का वन, फिर ई डाल दो वन बाय ई आंसर आए, इतने आसान सवाल मत करना, वो हमें इतने आसान करने की आदत नहीं, ठीक मजाक कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है यार अपनी अपनी किस्मत है, आसान सवाल आना भी ठीक है ना। ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट मैं अपने स्टूडेंट्स को ना बहुत अलग तरीके से कराता हूँ, अलग तरीके से इन सेंस, मतलब मैं उन्हें बोलता हूँ कि हमें सॉल्व, हमें ये तो दिखाना नहीं हमने कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए, हमारा ऑप्शन ठीक होना चाहिए बस, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पूछ लो, ठीक है खुद करना। सो इन दैट केस अगर क्वेश्चन देखें, एफ दे रखा है, एफ जीरो जीरो दे रखा है, एक कंडीशन एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो दे दी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, देन दी फंक्शन जी एक दे दिया और जी एक्स को ऐसे डिफाइंड कर दिया, ठीक है। और आप लोगों को बेसिकली क्वेश्चन में ये बोल दिया गया कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है बताना जी में, तो बताए मतलब अपनी मर्जी से कोई ऐसे फंक्शन सिलेक्ट कर लो जो कि इन कंडीशंस को होल्ड कर जाए ताकि डेरिवेटिव करने में आसानी हो जाए। जैसे ऐसा फंक्शन ले लो जिसकी लिमिट, मतलब डोमेन अगर ये ले रहे हो तो को डोमेन ही आ जाए प्लस वो कन्वेक्स भी है, तो मैंने इसे रैंडमली कंसिडर कर लिया, अगर आप कुछ और कर रहे हो तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, प्लस ये कंडीशन भी होल्ड करनी चाहिए। मैंने इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कंसिडर कर लिया, लेट अस सपोज, ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अगर कंसिडर करूंगा तो बेसिकली एफ जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ये आर वाली कंडीशन भी होल्ड कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर तुम जी एक्स देखोगे तो जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में एक्स विच इज नथिंग बट एक्स माइनस वन, आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी कर लेते तो भी कोई इशू नहीं आता, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
उसके बाद जीएक्सी आ गया, बताना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या फलाना ढिमकाना, जी डैश है कॉन्स्टेंट आ रहा है मतलब लीनियर फंक्शन आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है अपनी डोमेन में, खत्म सिंपल। बच्चों कहेंगे जादू, हम कैसे सोचेंगे फंक्शन, भाई प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के भी टेन ईयर मत उठा लेना कि कंसेप्ट ही याद नहीं है कुछ करा ही नहीं और उसके टेन ईयर उठा लिए, तो भाई साहब कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब शिद्दत से तैयारी करके अगर एंट्रेंस क्लियर हो तो उसका मजा है, एवं क्लियर हो जाए मतलब कोई लक से सिक्का उछाल के तो तुम लोग मास्टर्स में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आई एम डैम श्योर, इन यूनिवर्सिटीज में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तभी हम, मैं डीएससी का भी सेमेस्टर वन का बैच बनाता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे आगे पढ़ने आते हैं, ठीक है वो तो बात की बात है, पहले तुम लोग पहुंचो तो सही, ठीक है ओके। उसके बाद ये नाइन्थ क्वेश्चन इजी है बच्चों, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। नाइन्थ, ये नॉर्मली ए बी फंक्शन है, हाउ मेनी ऑन टू फंक्शन कैन वन जनरेट, पता है आप लोगों को, अगर आपको थोड़ा सा पता हो, नॉर्मली नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है कि जैसे 2 की पावर ए के एलिमेंट जितने भी होते हैं माइनस में बी के एलिमेंट विच इज 2, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, आई होप आप लोगों को याद हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, नाइन्थ हो गया, नाइन्थ के बाद है क्वेश्चन नंबर 10। 10 भी आसान है, 10 तो मैंने बच्चों को मतलब ये मेरी बुक का सवाल ही है, हमारी बुक का सवाल आया हुआ बेसिकली, और मैंने ग्रेजुएशन में भी ये सवाल कराया हुआ है, तो काफी बच्चों को अगर याद होगा तो इसकी हमें क्या निकालनी है, एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स मतलब क्या है, रेंज निकालनी है, ठीक है। तो डोमेन तो इसकी ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, और अगर सब कुछ बच्चों को याद हो, रेंज निकालने के लिए एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं, कैसे बच्चों, सच्ची में बुक का सवाल आया, 0 आ गया, फाइनली एक्स की वैल्यू होगी 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर अपॉन में 2 है, सो 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, भाई जी वाई हो गया ना, रेंज क्या होती है, वाई की वैल्यू जो डिफाइंड हो, 1 माइनस 2 वाई 1 प्लस 2 वाई, इन इक्वेशन का वीडियो देख लेना मैंने डाला हुआ है, अगर तुम्हें ये स्टेप समझ नहीं आएगा तो, ये आ गया -1/2 से 1/2, डी ऑप्शन एग्जैक्टली। कोई बच्चे कहते हैं वाई जीरो नहीं हो सकता, हो सकता है वाई जीरो, ये हमारा खुद का बनाया हुआ फंक्शन है बिफोर चेकिंग द इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी, अगर मैं इसमें देखूं तो क्या वाई जीरो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है जब एक्स को जीरो डाला जाए, तो वाई जीरो कंसिडर करेंगे, ठीक है। बच्चों इलेवंथ कितना आसान सवाल है, मतलब बहुत ही आसान सवाल है यार इलेवंथ भी, मतलब मैंने सोचा था कुछ सवाल कराऊंगा बट काफी ज्यादा हो गए। सो 3/3 है, ए ए जो है वो 3/3 है गाइस, ए जो है 3/3 है, बी जो है वो 3/4 है, सो ए बी हो जाएगा 3/4, सो इसमें जो मिनिमम होता है वही होती है रैंक विच इज 3, ऑप्शन नंबर ए खत्म। 12th मैं नहीं करूंगा, तुम करना, ईगन वैल्यूज मांगी है, सो ए माइनस लैम्डा ए के डिटर्मिनेंट को 0 रखना, थोड़ा तो टाइम खुद लगाओ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं बेटा, ये प्रोबेबिलिटी के बहुत बेसिक से सवाल हैं, और ये भी देखो, अब इसमें भी अगर तुम लोगों को ये वाला बेसिक याद नहीं है जो मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये बहुत आसान सवाल है, ये जो है 5/5 की नॉन नल सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसके एलिमेंट नल नहीं है, मतलब इसका मतलब एलिमेंट्स कुछ ना कुछ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है एक सेकेंड बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, और अगर बराबर में 0 चल रहा है तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, ट्रिवल सॉल्यूशन तब आता है जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, बट इसका डिटर्मिनेंट तो 0 दे रखा है, एज इट इज गिवन सिंगुलर, तो अगर डिटर्मिनेंट भी 0 आ गया ए का, और आपको पता है बाकी सारे भी 0 आएंगे, तो 0/0 बहुत सारी वैल्यूज का अकर कर सकता है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब भाई तुम्हें क्रैमर रूल याद नहीं है, पुरानी सिस्टम याद नहीं है तो कैसे चलेगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में या तो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन तब होते हैं जब ये नॉन जीरो होता, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तब होते हैं जब इक्वल टू 0 होता, बाकी ट्रिवल नॉन ट्रिवल भी होता है, ठीक है, ट्रिवल तब होता है जब ये नॉन जीरो होता, ठीक है, ये मतलब ईजी है बच्चों, तुम लोग कर सकते हो, ओनली या ट्रिवल सॉल्यूशन ये भी नहीं है, अगर मेरी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये बहुत अच्छा आसान सवाल है बच्चों प्रोबेबिलिटी का, बहुत बेसिक, दिस इज ऑल्सो बेसिक, ये भी बहुत ही आसान सा, इसमें देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बच्चों ने अगर बहुत ज़्यादा जान लगा दी होगी तो वो प्लीज बेवकूफ़ी करेंगे, बड़ा आसान सवाल है, आपको कह रहा है 1/1 ऑन 2 चेक करना है, प्लीज 1/1 ऑन 2 के लिए सबसे अच्छी कंडीशन पता है कि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वगैरह चेक करना,
तो अगर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह इसका चेक करोगे तो जरा अगर आप ध्यान से देखो, इसका जब आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो कितना आएगा, 2022 x² + 1 की पावर 2021 × 2x। और इस आर पे ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो इसका मतलब है नीदर इट इज फुल्ली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर इट इज फुल्ली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हेंस इट इज नॉट 1:1। ठीक है, और ये ऑन टू की नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ऑन टू के लिए चेक करने के लिए जो भी डोमेन है वो उसके अंदर डाल के देखो, अगर कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो रेंज और कोडोमेन अगर दोनों बराबर होती है बेटा तो फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बट रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर नहीं आ रही, तो अगर वो नहीं आ रही इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऑन टू नहीं। आप देखो ना, इसमें आप एक्स को कुछ भी डालो, इसकी जो रेंज आएगी ना, ठीक है, वो ऑल पॉजिटिव नंबर आएगी। ठीक है, ऑल पॉजिटिव नंबर जो रेंज आएगी, बट कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर है। ठीक है, आर मतलब रेंज लिखा मैंने, तो ये ना ही 1:1 है ना ही ऑन टू। ठीक है, सो बच्चों आपने देखा कि पेपर कितना ज्यादा आसान था। अब मैं ये नहीं कह रहा 2023 का भी आसान आएगा, वो टफ आ सकता है। ठीक है, सो आप लोगों से मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वैसे ना, मैंने हमारी वेबसाइट आरएसजी क्लासेस पे भी आप देख सकते हैं, मैंने 2004 से लेके 2022 तक ऑलमोस्ट सारे ही पेपर डिटेल में वीडियो रिकॉर्डिंग करके सॉल्व किए हुए। कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग सॉल्व किए हुए, जैसे ये मैंने किया है, 21 का मैंने डाला हुआ है, 20 का मैंने डाला हुआ है, 17 का मैंने डाला हुआ है, 19 का मैंने डाला हुआ है, चेक कर सकते हो। बट इन 3-4 पेपर के थ्रू नहीं हो पाएगा, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे 10 ईयर के सोल्यूशन अवेलेबल है जिसमें मैथ स्टैट्स और ट्रिक्स आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। और आपका मैथ स्टैट्स ट्रिक्स के 25 में से 20 क्वेश्चन ठीक हो गए, माइक्रो के आपने 10-15 भी कर दिए तो रैंक मार दो। ठीक है, फॉर श्योर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो, ये पेपर थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो, इजी पेपर था, इतना टफ नहीं था। बाकी मेरी कोई गलती हो गई हो उस पेपर में कोई भी पार्ट में तो प्लीज लेट मी नो, मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो, और दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके बाकी डिटेल भी आप पूछ सकते हैं। एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस बच्चों लाइफ बना देगा अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स इन यूनिवर्सिटी से कर लिया तो। सही बताओ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छी अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह। ठीक है, थोड़े टाइम पे हमारे चैनल पे आपको उन सबके इंटरव्यू भी नजर आएंगे। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को कुछ भी मतलब वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे में कुछ कमी है। एक एवरेज स्टूडेंट भी, एक लेस देन एवरेज स्टूडेंट भी इन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर सकता है। अब यार लेस देन एवरेज स्टूडेंट सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकते हैं तो ये तो कुछ नहीं उसके। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, नमस्ते, एंड प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे की अपडेट्स इसमें मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते।